मंगलवार सुबह तड़के भारत भूटान सीमा के पास गांव में एक जंगली हाथी ने एक महिला के घर पर हमला कर दिया। भूटान खुटी गांव असम के बक्सा जिले में है। आधी रात के आसपास गांव वालों ने हाथी को नारियल खाते हुए देखा तो मशाल, आतिशबाजी और शंख बजाकर शोर मचाकर उसे भगाने की कोशिश की। ग्रामीणों ने वन विभाग पर लचर रवैया अपनाने का आरोप लगाया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऐसा है कि अच्छी सिचुएशन होना चाहिए, उन लोग को बारिश भी नहीं होना चाहिए, बढ़िया से रात का नजारा अच्छा होना चाहिए, उस टाइम में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आता है और दो एक पटाखे फोड़ के उन लोग चले जाते हैं। तो रात भर का जो भयानक परिस्थिति है उसका सामना तो गांव वाले करने पड़ते हैं। गांव वालों का मानना है कि सरकार उन्हें हाथियों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए और कदम उठा सकती है। हाथी से बचने के लिए उपाय ये सरकारी तौर से अगर ये ऊपर से एलिफेंट कॉरिडोर सीमा लगा के वहाँ से फेंसिंग लगा के कुछ अगर ऐसा कर दे तो गाँव वाले हम बहुत बड़ी परेशानी से हम दूर होते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों के हमले लगातार हो रहे हैं और वे चाहते हैं कि वन विभाग इसे बढ़ने से रोकने के लिए कदम उठाए।